Hello students, welcome to Aryan's classes. Today I'm going to discuss with you paragraph number 3, that is a scene in front of an examination hall. कि परीक्षा भवन के सामने का दृश्य कैसा होता है. तो अक्सर क्या होता है, आप इसको याद करने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एक दो बार पढ़िएगा सुनिएगा तो आप इजीली इसको लिख पाएंगे. अक्सर बार बार स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं कि मैम हमें मेन मेन पैराग्राफ्स बता दो. तो बेटा मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी सबको अपने इस चैनल के थ्रू कि कुछ भी याद करने से पहले उसको समझना ज़रूरी होता है. तो एक बार उस सीन को अपनी लाइफ के साथ जोड़ के देखिएगा. ये तो बहुत सिंपल से जो हैं टॉपिक्स हैं जिसमें आप इजीली लिख पाओगे कि जब आपका एग्ज़ाम होता है तो उसके बाद आप काफ़ी सारे पेंसिल्स पेन्स अपने साथ लेके जाते हैं, थोड़ा सा घबराहट होती है मन में. जब आप एंटर करते हो तो आपका आई कार्ड वगैरह चेक किया जाता है, आपका रोल नंबर चेक किया जाता है, आपको अंदर जाने दिया जाता है. आप फिर डिस्प्ले बोर्ड पे अपना रोल नंबर चेक करते हैं, कौन से रूम में आपका रोल नंबर है. आप बैठते हैं, तब तक दिल धक धक करता है जब तक आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है ना. तो ये सब होता है. तो चलिए करते हैं इसमें क्या है. Examination is necessary to see the caliber of students. Examination बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि इससे हमें जो students हैं उनके जो caliber है, उनका जो काबिलियत है, उसके बारे में हमें पता लगता है. Students are terribly afraid of it. Students इससे बहुत डरते हैं. Their condition is pitiable. उनकी जो हालत होती है वो बहुत ही दयनीय होती है, बहुत तरस आता है उन पर. The scene outside the examination is marked with anxiety. और जो बाहर जो दृश्य होता है वो चिंता से भरपूर होता है. सभी बच्चे बहुत चिंतित होते हैं अपने एग्जाम के बारे में कि किस तरह का एग्जाम होगा. स्टूडेंट्स लुक टेंस, वो बहुत ही जो टेंस्ड फील करते हैं. सम कैरी बुक्स एंड नोटबुक्स विद देम. और कई तो इतने टेंस्ड होते हैं कि वो अपने साथ बुक्स और नोटबुक्स पेपर वाले दिन भी साथ में लेके जाते हैं. ईच स्टूडेंट कैरीज पेन्स एंड आइडेंटिटी कार्ड इन हीज और हर हैंड. हर एक स्टूडेंट के पास क्या होता है, पेन्स होते हैं, उनका आई कार्ड होता है. सीटिंग प्लान इज डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड. और उनके बैठने की जगह जो होती है वो नोटिस बोर्ड पे लगा दी जाती है कि कौन से रोल नंबर में उनका रोल नंबर आया है. स्टूडेंट सीम्स टू बी विदाउट चेस्ट. और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मस्ती के मूड में नहीं होते हैं, एंजॉयमेंट के मूड में नहीं होते हैं, क्योंकि अंदर जो उनके बहुत ही एक कश्मकश चल रहा होता है एग्जामिनेशन को लेके. इट लुक्स इफ they have been deprived of life. ऐसे लगता है कि जैसे उनमें जान ही नहीं है. द सुपरवाइजरी स्टाफ कम वेल इन टाइम. जो सुपरवाइजरी स्टाफ होता है वो समय पर आता है. वैन एवरी थिंग इज रेडी. जब सब कुछ तैयार होता है. द पियन इज टोल्ड टू रिंग द बेल. तो पियन को बोला जाता है कि वो घंटी बजा दे. ऑल द स्टूडेंट्स गैदर बिफोर द एग्जामिनेशन हॉल. सब स्टूडेंट्स कहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल के आगे इकट्ठा हो जाते हैं. नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस आर रीड आउट टू देम. और उन्हें जो नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो दी जाती हैं कि किस तरह से उन्होंने पेपर अटेम्प्ट करना है, कितने टाइम का है, पहले बेल पे क्या होगा, सेकंड बेल पे क्या होगा, ये सब उनको बताया जाता है. दे आर आस्क्ड टू लीव देयर बुक्स एंड नोटबुक्स आउटसाइड. और उनको ये भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि वो अपने साथ जो भी स्टडी मटेरियल लेके आए हैं वो उसको एग्जामिनेशन हॉल के बाहर ही रखें. द एंग्जियस मोमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर. और उनकी चिंता तब खत्म हो जाती है जब उनको जो क्वेश्चन पेपर है, प्रश्न पत्र जो है वो मिल जाता है. तो ये बहुत ही नॉर्मल सा एक पैराग्राफ था जो आपके खुद की सिचुएशन पर भी होता है. तो उसको लाइन बाय लाइन आपको लिखना है. आई होप दैट यू माइट हैव वॉच्ड द वीडियो टिल एंड यू हैव अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ वेरी वेल. सी यू नेक्स्ट टाइम इन माय नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक. टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम.